इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पर टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है तो आप क्या कहते हो, सादे से शब्द यार पका दिया, वैसे माइंड भी आपका पक जाता है। जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय 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 ऐसा हाय हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया, और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई, चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है। कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छोड़ती है ऐसी बातें, उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना।